बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द पैलेटेबल जर्नी स्वाद और सफर। सो वी आर ऑन फॉर आर नेक्स्ट ट्रिप। हम लोग निकल रहे हैं मनाली के लिए और एक दिन हम लोग रुकेंगे चंडीगढ़ पहले और उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे मनाली। तो अभी हम लोग मुरतल रुके हैं पहलवान ढाबा में और यहाँ के हम करेंगे पराठे ट्राई। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। पराठे आ गए हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि जो पराठे हैं ना वो तवे वाले मिल गए हमें यहाँ पे फाइनली। पिछले दो तीन ट्रिप्स हम लोग जब भी जा रहे थे बाहर तो हमें तंदूरी पराठे मिल रहे थे, तो तवा पराठा हमारी हमेशा से प्रेफरेंस रहती है और थोड़े से कंपैरेटिवली लाइट होता है इफ़ यू कंपेयर इट विद द तंदूरी पराठा। तो तवा पराठे हमें मिल चुके हैं, तो आलू प्याज का पराठा, पनीर का पराठा, गोभी का पराठा और एक प्लेन अजवाइनी पराठा। तो सबसे पहले ट्राई करेंगे आलू प्याज का पराठा। ये देखिए, सुपर फीलिंग, सुपर मतलब पहलवान ढाबे का आलू का पराठा ज़बरदस्त। इसको ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया खा के। पूरी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है फिलिंग और मसाले बिल्कुल अप्रोप्रिएट, बहुत ही सुपर। ट्राई करते हैं पनीर का पराठा। ये देखिए, सीरियस ग्रीन चिलीज भी है, छोटी छोटी बिल्कुल बारीक कटी हुई। बेस्ट पार्ट पता क्या है पनीर के पराठे की? पनीर का टेस्ट ना बिल्कुल नेचुरल रखा हुआ है, कुछ भी ना ओवर मसाले डाल के उसके अंदर ना बिल्कुल ज़्यादा मसाले डाल के ना उसको मतलब स्पाइसी नहीं किया हुआ, तो जो पनीर का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये देखिए द फीलिंग अमेजिंग। वो भी ट्राई करते हैं हम। तो गोभी के जो पराठे हैं ना बेसिकली वो बहुत ही, अभी फीलिंग देखिए अंदर, देखिए तो यूजुअली क्या होता है कि ना कई बार ना पराठे ना मतलब पानी छोड़ देते हैं, मतलब गोभी का जो पराठा होता है स्पेसिफिकली थोड़ा ना मतलब सॉगी हो जाता है वो। इन्होंने देखो कितना बढ़िया किया हुआ है, क्रिस्प मतलब पराठे का जो क्रिस्पीनेस है ना वो बहुत सुपर है। ये देखिए A1 एक नंबर, बहुत बढ़िया बेस्ट पराठे हैं यहाँ के। जो पराठों की सबसे बेस्ट बात ये है कि मसाले और जो मिक्सर है उससे ओवर पावर नहीं कर रखा। पनीर का है तो मतलब पनीर का आपको फ्लेवर आएगा प्रॉपर, ज़्यादा मसालों से ना ओवर पावरिंग नहीं हो रखी है। गोभी है तो गोभी का फ्लेवर आ रहा है बहुत अच्छा। ये देखिए फीलिंग दिखाता हूँ आपको इसकी, सुपर। और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई पैची कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा कहीं पराठों में जगह जगह पे होता है कुछ खाली पोर्शन, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं। मेरा तो मतलब अब इसको दही के साथ भी ट्राई करेंगे, तो आप कर सकते हैं। अच्छा तो
नेक्स्ट है नमक वाली अजवाइनी पराठी, तो ये लोग हमें हमेशा स्पेशली ऑर्डर करते हैं इसको, क्योंकि बचपन में ना मम्मी के हाथों की ना वो अजवाइनी पराठा खाने की बहुत आदत है, थोड़ा सा अजवाइन हो, थोड़ा सा नमक हो बटर के साथ। तो ये देखिए ये अजवाइन, ये देखिए सुपर। इसमें डालते हैं थोड़ा सा बटर, बटर डालेंगे इसमें, पूरा लगाएंगे इसमें और इसके अंदर लपेट के खाते हैं इसे ज़रा। माइंड ब्लोइंग। मुरसल आई है, पहलवान पे आ जाइए और ये सारे पराठे ट्राई करने हैं, मस्ट और ज़बरदस्त। चलिए हम इसको ज़रा कंप्लीट करते हैं खाने को और कल मिलते हैं, और विल स्टे फॉर वन डे एट चंडीगढ़, और उसके बाद हम सीधा निकलेंगे मनाली के लिए। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब टू द पैलेटेबल जर्नी, स्वाद और सफर। वी आर कमिंग अप विद मोर इंटरेस्टिंग स्टफ लाइक दिस। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।